स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1.12 समझते हैं। कहता है दो हमारे पास इंसुलेटेड चार्ज के स्फीयर से ए और बी, ये अस्यूम कर लो ए यहाँ पे रखा है बी यहाँ पे रखा है। फिर कहता है उनके सेंटर्स हैं वो 50 सेंटीमीटर पे हैं, ये गिवन डिस्टेंस भी दे दी है। हमें बताना है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अगर इतना चार्ज दोनों स्फीयर पे है। तो बच्चों ये वाला चार्ज भी प्लस का कर दिया और ये प्लस का कर दिया, तो आप देखोगे तो यहाँ दोनों पे रिपल्शन फोर्स लगने लगेगा। यहाँ हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर्स में, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको भी वेक्टर्स में कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो कि चार्ज जो ए पर है वही चार्ज किस पर है, बी पर, और इसको एक सिंपल सा क्यू बोल दो और इसकी वैल्यू लिख लो आप 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम्स, और जो डिस्टेंस है बच्चों वह है 50 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग है 0.5 में मीटर्स में। आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों छोटा वाला के पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज और डिवाइड बाय उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो के का मतलब वैक्यूम में होता है 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज दोनों बराबर हैं, तो आप एक बार ही लिखना है इसको 6.5 × 10⁻⁷ और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर लगा देना है, और ये हो जाएगा 0.5 × 0.5। और न्यूमेरिकली सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे टर्म्स 1.53 × 10⁻², में 2 आएगा और ये हो गया न्यूटन्स, और ये हमारे पास फोर्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सिंपल कूलम्स लॉ लगा देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द स्फीयर्स चार्ज डबल कर दें और उनके बीच का डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे हाफ कर दें। ये अपन प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार पढ़ चुके हैं, चार्ज को वेरी करने से और इसको वेरी करने से यहाँ पर फोर्स चेंज होगा। ठीक है, तो हमें बच्चों नया वाला फोर्स बताना है। ठीक है, जब आपके पास नया चार्ज डबल कर दें अपन और जो डिस्टेंस है नई वाली उसको पुराने डिस्टेंस के हाफ कर दें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नया एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इस अंडरस्टैंडिंग से, वो हो जाएगा स्मॉल के तो उतना ही रहने वाला है, ये हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय आर डैश का स्क्वायर। तो मान के चलो कि मुझे यहाँ के लिखना चाहिए, टू के का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा वैल्यू मेरे पास 4k². ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एक r² / 4, विच मीन्स ये 16 × k³² / r² आ रहा है। ये पूरा टर्म बच्चों पुराना वाला फोर्स ही है, तो ये हो गया 16 × f, विच मीन्स जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 16 times प्रीवियस वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1.53 × 10⁻²। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल बी गेटिंग 0.243 और 2 आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा न्यूटन्स। तो ये अपने पास नया टर्म आ रहा है। ये वेरिएशन के क्वेश्चन अपन कई बार समझते हैं और यहाँ स्ट्रेट मिल रहा है अपन को, जो नया वाला फोर्स होगा वो 16 times प्रीवियस फोर्स हो जाएगा। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया और ये हमारा ए पार्ट का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स,